आज हम 60 वाट एम्पलीफायर बोर्ड बनाएंगे जिसमें दो आईसी TDA 2050 लगी है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं PCBWay.com, जहां पर बनवा सकते हैं आप डिफरेंट टाइप के PCB, स्टेंसिल, मल्टी लेयर, मल्टी कलर PCB रीजनेबल प्राइस में। कंपोनेंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चाहे तो आप यूट्यूब सोर्स से परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल साइड बोर्ड बना रहे हैं, सबसे पहले लगेंगे 5 जम्पर, 4 पीस रेजिस्टेंस लगेगी 22 के क्वार्टर वाट में, 2 रेजिस्टेंस 680 ओम क्वार्टर वाट में, 1 रेजिस्टेंस 3K3 क्वार्टर वाट में, 2 पीस रेजिस्टेंस लगेंगी 2.2 ओम की या हाफ वाट में, बाकी सभी जो लगी हैं वो क्वार्टर वाट में, 2 कैपेसिटर लगेंगे 22UF 50 वोल्ट में, 4 कैपेसिटर हैं 0.1UF जिस पर 104 लिखा रहता है, 2 कैपेसिटर हैं 0.22 जिस पर 224 भी प्रिंट होता है, 2 कैपेसिटर हैं 0.47 जिस पर 474 प्रिंट रहता है, 4 कैपेसिटर हैं 220UF 50 वोल्ट में, 1 LED है, 4 डायोड हैं 6 से 4, चाहे तो आप यहाँ 5408 लगा सकते हैं, 2 आईसी है TDA 2050, 1 कनेक्टर बेस है 3 पिन का ट्रांसफार्मर के लिए, और 1 ऑक्स कनेक्टर बेस है 3mm का फोन को कनेक्ट करने के लिए, 1 पोटेंशियोमीटर है 47K का वॉल्यूम के लिए, 2 कनेक्टर बेस हैं स्पीकर के लिए, 2 कैपेसिटर हैं 4700UF 50 वोल्ट में। अब ये लगाने के बाद करेंगे आप कटिंग, उसके बाद सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करने से पहले लगा लेते हैं ये लिक्विड फ्लक्स। अब करेंगे सोल्डरिंग। अब थिनर से वॉश कर लेते हैं। बोर्ड तैयार हो गया है, अब हीट सिंक लगा लेते हैं, निशान लगाकर होल कर लेते हैं। अब आईसी पर लगाएंगे कंपाउंड, उसके बाद नट और स्क्रू से कस लेंगे।
नॉब लगा लेते हैं वॉल्यूम के लिए, और स्पीकर के लिए लगा लेते हैं स्पीकर सॉकेट। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है 13013, लगभग 1.5 एम्पीयर का है, कनेक्ट कर लेते हैं। जो सिंगल कलर की वायर होती है वो हमेशा बीच में रहेगी, इस प्रकार से लगा लेते हैं। फ़ोन से प्ले करने के लिए लगा लेते हैं ऑक्स लीड। ये हमारे पास दो कॉलम है, 10 इंची के वूफर लगे हैं दोनों में, कनेक्ट कर लेते हैं। अब फोन से भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब प्ले करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।